18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत ने अस्पतालों के लिए क्या काम किया। लाड़काना और अंदरूने सिंध में सेहत की नाकाफी सहूलियात हैं। घोटकी से खैरपुर तक किसी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं। विफाकी वजीर अली जैदी की साईं सरकार पर गरज बरस, बोले जिसके बच्चे को दूध नहीं मिलता वो दुकान भी तोड़ देगा। लोगों को भूख से मरने से बचाना जरूरी है। विफाकी हुकूमत कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। तमाम एहसास प्रोग्राम के तहत इमरजेंसी कैश सेंटर्स का दौरा करूंगा। मुस्तहकीन में 144 अरब तकसीम होंगे। पूरे नॉर्दर्न सिंध में घोटकी से लेके नीचे आप खैरपुर तक आ जाए, खैरपुर के अलावा खैरपुर में है एक भी वेंटिलेटर किसी अस्पताल में नहीं है। तो 18वीं तरमीम के बाद तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। क्यों नहीं लगाया आपने वेंटिलेटर? किसी ने रोका था आपको? आपको तो पैसे हुकूमत से एनएफसी अवार्ड में मिलते हैं। लोगों को भूख से मरने से बचाए या लोगों को बीमारी से मरने से बचाए? सर एंड रिजल्ट इफेक्ट कॉज कोई भी हो, इफेक्ट वही है, जान चले जाएगी। जिसके घर में जिसके बच्चे को दूध नहीं मिल रहा होता ना, वो फिर दुकान भी तोड़ता है, वो फिर लूटता भी है जिसका बच्चा बीमार हो या जिसके खुदा ना खासा वालदैन बीमार हो। तो खुदा के वास्ते ही हमारे लोग हैं। हमने कोई अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाया हुआ कि हम इनका ख्याल कर लें। कोशिश अब ये हो रही है, तो दोनों का ख्याल करना है। शुक्र करें कि नादरा का हम आपके पास डेटा है, बाकी जो डेटा है वो एहसास का सारा मिला के तो हम ये वाला प्रोग्राम कर सक रहे हैं।